हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। से कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज ये मैडम स्कूल नहीं गई हैं, स्कूल के लिए सुबह रेडी हो गई थी सुबह स्कूल के लिए पूरी रेडी हो गई थी, ड्रेस पहना दी गई, इनका लंच बॉक्स लग गया, वाटर बॉटल लग गई, बैग लग गया, हर चीज हो गई थी। उसके बाद ये रोने लगी। आज मतलब जब से स्कूल में इनका एडमिशन हुआ है और जब से जा रही है तो आज पहली बार है कि रोने लगी थी। तो इसके पापा ने इसको मना कर दिया, नहीं भेजा, और ये पूरा स्कूल के लिए रेडी होने के बाद ये सो गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद उठी। और अभी तो फिलहाल दोपहर का टाइम है और ये दोनों आयना आ चुकी है स्कूल से और वो मैडम आज गई नहीं। क्यों आयना, यशी क्यों नहीं गई आज स्कूल? यार यशी रोने लगती है। क्यों यशी, आप रोने क्यों लगे थे? मम्मा मम्मा क्या होता है? वो रोती है, इतना रोती है। मैं बोलती है रोज रोती रहती है और जब छुट्टी होती है हंसने लगती है। जब छुट्टी होती है तो हंसने लगती है और ऐसे रोने लगती है। तो आज इसने अपने मन से छुट्टी मार ली है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में जो क्लिप देखी आपने वो तो दोपहर की थी जब आयना और यशी मतलब दोनों घर में थी, लेकिन अब ये जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो पूरा स्टार्टिंग से हो रहा है। मतलब जब मैंने आज की वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, मैंने वीडियो स्टार्ट किया है शूट करना 10:30 बजे से और कपड़े ये ले करके आ गई हूँ मैं वॉशिंग मशीन में डालने मुझे धुलने के लिए। और हैंगर से मैं ऐसे डर डर के निकाल रही थी क्योंकि काफ़ी सारी छिपकलियाँ मैंने देखा है। हैंगर के पीछे कपड़े अगर टंगे हैं ना तो वो कपड़ों के पीछे छुप जाती हैं, तो इसीलिए मैंने एक एक करके डर डर के पहले ज़मीन में फेंके हैं। अगर होंगी तो वो इधर उधर चली जाएंगे, उसके बाद फिर मैं निकालूंगी। खैर मुझे मिली नहीं थी कोई भी छिपकली, तो मैं वो कपड़े लेकर के आ गई हूँ और बस वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। और आयना यशी की ये वाली ड्रेसेस भी डाल रही हूँ। आज यशी तो गई नहीं है, आयना गई है, तो वो वाइट वाली जो ड्रेस होती है ना, वेडनेसडे का ये वीडियो है तो वाइट वाली पहन के जाना था, तो वो वाली पहन के गई है। और ये मैंने जो और बाकी डेज वाली जो ड्रेसेस होती हैं तो वो मैंने डाल दी है धुलने के लिए, तो धुल जाएंगी। और मैं अभी मतलब जितने भी घर में कपड़े हैं जो धुलने वाले हैं वो सब साथ में धुल रही हूँ। और इन्हें देखिए इतना थोड़ा ना, बाद में धूप भी हो गई थी, बेचारे कैसे गर्मी में काम करते हैं ये लोग। मुझे इन लोगों को देख के ना बहुत वो लगता है कि मतलब हम लोग का क्या है कि घर में रह के जिनका घर के अंदर का काम ऑफिस के अंदर का काम होता है उनको सही रहता है, लेकिन जो लोग को गर्मी में धूप में बाहर रह के काम करना पड़ता है। अभी हम लोग, मैं ना बालकनी में इनफैक्ट थोड़ी देर के लिए भी नहीं खड़ी हो पाती हूँ, लगता है जल्दी से इसमें पानी भर जाए वॉशिंग मशीन में, जल्दी अंदर चले। बट ये लोग को धूप में बैठ के धूप में काम करना पड़ता है। जैसे ये रिक्शे वाले होते हैं, उन्हें पूरा दिन मतलब जो जिसका भी बाहर का काम रहता है ना, तो उनको मुझे देख के बड़ा लगता है कि ये लोग कितना मतलब मेहनत करते हैं धूप में गर्मी में, है ना। और बस फिर उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी तो यहाँ का रूम सही कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह बहुत फैली हुई थी, मॉर्निंग में जब हम उठे थे ना तो वो खाना वगैरह ही बनाने में लग गए थे। मतलब जैसे उठते हैं उसके नहाना धोना खाना, इनका लंच वगैरह, हस्बैंड का लंच, तो बस इसी में सारा क्या है कि मॉर्निंग का जो 10 बजे का टाइम होता है ना वो तो मेरा कैसे जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, बस किचन में जाता है। और जो मॉर्निंग का रहता है, अगर सैटरडे या संडे या ऑफ हुआ तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, और वैसे नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो इतना हड़बड़ी वाला काम होता है ना। अगर मैं वीडियो शूट करने बैठी साथ में तो मुझे लगता है खाना टाइम पर बन भी नहीं पाएगा, तो वो वाला तो मैं नहीं शूट कर पाती हूँ। और दोपहर से ही ज़्यादातर मेरी जो वीडियोस होती हैं वो शुरू होती हैं, तो ये तो 11 बजे का समथिंग का टाइम था जब मैं ये रूम वगैरह सही कर रही थी। बस दोनों बेड हो गए हैं सही और पिलोज़ वगैरह रख दी हैं। और ड्रेसिंग टेबल में अभी यशी ने काफ़ी सारे हेयर बैंड्स, पाउडर, और ये एक्चुअली मॉर्निंग में हो जाता है क्योंकि अब बच्चों को जब सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो ना तब समझ में नहीं आता क्या फैल रहा है, बस ये होता है जल्दी जल्दी ये लोग तैयार हों और टाइम से बस के आने के टाइम से ये लोग रेडी होके चले जाएं। और उसी तरह हस्बैंड का होता है कि जल्दी से टाइम टू टाइम खाना बन जाए, किचन वगैरह तो मैं क्लीन करती रहूँगी, तो इसलिए क्या होता है थोड़ा बहुत बिखर तो जाता है ये घर मेरा, क्या सबका ही बिखर जाता है, सब लोग के साथ सेम चीज़ें होती हैं, सबको सुबह जल्दी होती है। तो ये देखिए इनका बैग भी रखा था, मैं बता रही हूँ मतलब सब चीज़ इनकी पूरी हो गई थी, बैग लग गया था, रेडी हो गई और उसके बाद ही अचानक से रोने लगी, तो फिर मना कर दिया ऐसे कि चलो तुम आज रहने दो, नहीं जाओ। तो फिर मैंने बैग रख दिया है, ड्रेस वगैरह भी इसकी मैंने उतार दी थी तो मैंने वो भी डाल दी थी धुलने के लिए, तो सारे कपड़े वगैरह मतलब धुल रही हूँ। और अब फिर यहाँ पे किचन में वो मॉर्निंग के जो बर्तन धुले हुए थे वो भी रखे हुए हैं तो उन्हें भी सेट कर देती हूँ। किचन साफ़ भी करनी है, रोटियाँ वगैरह जो बनी थी लंच के लिए, खाना वगैरह तो मेरा पूरा बन गया,
मैंने दाल चावल रोटी सब्जी सारा खाना मेरा मॉर्निंग में बन गया था, बस गैस मैंने साफ नहीं करी थी, तो मैं अभी कर दे रही हूँ। और आज ना मैंने फ्रिज के भी काफी सारे बर्तन निकाले, उसमें मलाई दही इकट्ठे हो रही है और मुझे तो कोल्ड हो गया है, और इस टाइम मतलब दही हम लोग नहीं खा रहे, तो मैं मेड से मैंने पूछा था कि तुम्हें अगर चाहिए तो तुम ले जाना, तो वो बोल रही थी कि ठीक है हम ले जाएंगे, तो मैंने उसके लिए निकाल दिया है। और मलाई भी मैंने निकाल के रखी है, पहले मैं घी निकालती थी लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब एक दिन टेंशन जैसी मेरे को लगा करती है जिस दिन घी निकालना होता है, तो अब मैं घी निकालना एकदम बंद कर दिया, मैं मेड को दे देती हूँ सारी मलाई, तो वो अपना ले जाती है और वो निकाल लेती है। घी का काम मैंने ख़त्म कर दिया है बिल्कुल, घर पे बनाना टाइम जाता मतलब बहुत ज़्यादा जाता है उसमें, और टाइम मेरे पास बिल्कुल इतना रहता नहीं है कि मैं अलग से कोई भी काम कर पाऊँ दोपहर में। और उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, अब पूरे घर की झाड़ू लगानी है, और बहुत मतलब अब मैं ना सोच रही हूँ कि झाड़ू के लिए मैं मेड लगवा लूँ, क्योंकि इतना बड़ा घर है और मेरे को अकेले मतलब मैं लगाती हूँ ना, तो एक घंटे तो मुझे बाद में रेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी तो है ही, खैर गर्मी हो चाहे ठंडी हो, लेकिन देखिए अभी ठंडी भी होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, गर्मी है तो लगता है फ़ैन वैन ऑफ करके हमें झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो गर्मी लग रही है, लेकिन अभी ठंडी होगी तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। और घर काफ़ी बड़ा, देखिए हमें ना ज़रूरत नहीं है इतने बड़े घर की, बट वही है कि जब हम लोग ढूंढ रहे थे तो मतलब मिला नहीं, यही हमको सही लगा इसकी लोकेशन और व्यू जो है यहाँ से वो अच्छा लगा था, इसलिए हमने इसे ले लिया था, बाकी इतना बड़ा घर की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेनली मुझे ही रहना है, बच्चों को है दो, वो अब आधा दिन तो भाई घर से बाहर ही रहते हैं स्कूल में, और हस्बैंड से तो कोई वही नहीं, उन्हें तो पूरा दिन ही बाहर रहना है, तो इसलिए मुझे अकेले ही रहना है, तो इतना बड़ा घर की साफ़ सफाई मेंटेनेंस करने में होती है प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा लोग हों तो क्या है कि भाई थोड़ा थोड़ा हो जाता है साफ़ सफाई सबसे, और अकेले के लिए है तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए ये टास्क कि इतना मेंटेन करके साफ़ सफाई करके रखना, जितना हो पाता उतना कर लेती हूँ, तो झाड़ू वगैरह लगा ली थी मैंने। और उसके बाद फिर 2:30 बज गए थे तो आयना आ गई थी, तो आयना के लिए मैं रोटियां गरम गरम बना रही हूँ, आप सभी को तो पता है कि जब आयना और यश स्कूल से आती हैं तो उसी समय मैं रोटियां इन लोग के लिए बना देती हूँ, और मैं भी खाना उसी टाइम पे ही खाती हूँ साथ में इन लोग के लिए, मेरे से मतलब अकेले खाने का मन ही नहीं करता है कि अकेले बैठ के खाना खाओ, तो इसीलिए इन लोग का वेट करती हूँ मैं, जब ये लोग 2 बजे 2:30 बजे जितने बजे भी आ गई तो उसी टाइम मैं खाना लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने खाना लगा लिया है और अभी मैं यशी को खिलाऊंगी साथ में अपने, क्योंकि मतलब उसे उसका हो गया है टाइम खाना खाने का, और आलस आ रहा था। आलस आ रहा था क्यों? पता नहीं, पता नहीं क्या आलस आ रहा था, स्कूल जाने के नाम से आलस आ रहा था तुम्हें? अब रोज तो नहीं आएगा आलस? ऊपर देख के बोलो। नहीं, रोज नहीं आएगा ना, कल जाओगे स्कूल? अब आपको अपने हाथों से खाना है, ओके? क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो ना। बस 4 साल की नहीं हो गई हो? मैं 0 साल। नहीं, 0 की नहीं हो, 4। ये 4 होता है ना, मैं 4 साल की है। पहले बताओ ये कितना होता है, 4 है ये? कितना है? 1, 2, 3, 4, 4 ये होता है। ये कितना होता है ये बताओ। यशी से मैं पूछ रही थी आज स्कूल क्यों नहीं गई हो, तो कह रही है मुझे आलस आ रहा था आज स्कूल जाने में। अब बताइए इनको स्कूल जाने में आलस आ रहा है, तो खाना वगैरह इन्हें खिला दिया था मैंने मैडम को, उसे अब कह दिया है कि तुम सो जाओ अब, क्योंकि सुबह फिर क्या होता है अगर ये दोपहर में सो जाती है ना तो रिलैक्स रहते हैं बच्चे, और अगर सुबह के 5 बजे के उठे सीधा रात में सोते हैं तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने कहा अब तुम सो, और तब तक मैं कपड़े जो हैं वो धुल गए थे मेरे, ड्राई भी हो गए, एक बार के हैं ये, तो इन्हें मैं फैला दे रही हूँ। और बहुत आज हवा चल रही है, मतलब रेलिंग में डाल ही नहीं सकते, डालेंगे तो पूरे नीचे रोड में वो मिलेंगे, तो मैं ये एक के ऊपर एक करके ऐसे ही फैला दे रही हूँ, वैसे हवा तेज़ है और धूप भी है तो सूख जाएंगे, कोई मतलब ऐसा नहीं कि गीले रहने वाले हैं, और मुझे आज ही सारे कपड़े सुखा के रखने हैं, और क्यों रखने हैं वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट वाले व्लॉग में पता चले, क्योंकि मैं कहीं पर जाने की कर रही हूँ तैयारी,
कहाँ पे जाने की तैयारी कर रही हूँ आप लोग गेस करिए। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ सारे कपड़े जो हैं धुलने लायक वो सब मैं सारे धुल दूँ, फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आके कपड़े भी गंदे मिलेंगे तो, और वैसे तो घर वगैरह तो गंदा मिलेगा ही, वो तो पता है, लेकिन कपड़े वगैरह एटलीस्ट मतलब धुल के जाऊँ। तो ये देखिए दोबारा वाले कपड़े जो हैं वो मैं इस टाइप इधर डाल दे रही हूँ, और ये जो बेडशीट है ना वो मैंने बांध दी है कि मतलब नीचे नहीं चली जाए, तो वहाँ पे मैंने गार्ड बांध दिया रेलिंग में, और बाकी चेयर में डाल दूँगी, ज़्यादा इधर नहीं डालूँगी, हवा बहुत है ना इसलिए एक के ऊपर एक करके डाल दूँगी तो वो सब हो जाएंगे। और ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।